आज हम हॉस्टल वार्डन के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती के बारे में। तो इसकी वैकेंसी कब आएगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तैयारी कैसे करना है, रणनीति क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो पर मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर न्यू बैच प्रारंभ किया गया 18 मार्च से न्यू बैच प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, वो रात 8:30 से 9:30 के बीच जो रिकॉर्डेड क्लास रहती है उसको अपलोड की जाती है। ठीक है, इसी चैनल पर अगर जो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं बेस्ट तरीके से, तो हमारे चैनल पर कराया जा रहा है। ठीक है, और एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 मार्च से प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, अब रही बात आज के जो वीडियो है बहुत खास तौर पर लेकर आया हूँ छात्रावास अधीक्षक भर्ती के संबंध में। ठीक है, जो जरूरी सूचना है जो सिलेबस के अनुसार आपको अकॉर्डिंग के तौर पर आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वैकेंसी आज हो या कल हो या 1 साल बाद हो, आपको तैयारी करके रखना है। ठीक है, अगर आप लोग छात्रावास अधीक्षक बनना ही चाहते हैं तो डेली क्लास बने रहिएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। साथ ही छात्रावास अधीक्षक के संपूर्ण सिलेबस के बारे में बात करना चाहूंगा। जो छात्रावास अधीक्षक है आपका समय सबसे पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो समय आपका 2.5 घंटे की रहती है, और जो पेपर होगा आपका यानी कि जो एग्जाम होगा आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, और रही बात सिलेबस की, तो देखिए जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा सिलेबस, जो छात्रावास अधीक्षक है आपका 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 150 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, साथ ही तो देखिए जो कंप्यूटर का सिलेबस है इसमें 50 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 25 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप लोग कंप्यूटर के सब्जेक्ट में 25 नंबर नहीं लाते हैं तो आपका OMR सीट यानी कि आप जो एग्जाम दिए रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर, वो आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग कंप्यूटर में 25 नंबर से ऊपर लाते हैं, अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका पेपर चेक होगा, है ना। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा जैसे कि हिंदी हो गया, गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया, सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, उसमें पूरा का पूरा नंबर ला लो, उससे कोई मतलब नहीं है जब तक आप कंप्यूटर में पास नहीं हो गए। अगर आप कंप्यूटर में पास हो जाते हैं, 25 नंबर से अधिक ला लेते हैं, तो आपका पेपर चेक होगा और सभी में आप अच्छे नंबर लाएंगे। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं छात्रावास अधीक्षक भर्ती की, अगर तैयारी करना चाहते हैं, रणनीति बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब चलिए डिटेल के बारे में बात करते हैं छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा जो छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस, तो देखिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कंप्यूटर, जिसमें आपको 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जस्ट आपका हिंदी, हिंदी में भी 10 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। उसी प्रकार है इसके बाद आपका इंग्लिश, इसमें भी आपका 10 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का सामान्य ज्ञान बिल्कुल पूछा जाएगा, जितने भी भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन जितने भी जियोग्राफी वगैरह ये सब है ना इंडियन से, ये सब पूछे जाएंगे। इसके बारे में बात करूँ छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, वहाँ से आपके 20 नंबर पूछे जाएंगे, 20 बहुविकल्पी है। उसी प्रकार मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर की, जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हाल ही में जो योजनाएं हैं महत्वपूर्ण उसको भी एक बार पढ़ के जाइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है कि छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर आपको 20 नंबर का पूछा जा रहा है, यानी कि टोटल मिलाकर आपका 150 नंबर बनने वाला है, इसमें 150 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे मेहनत आप करिएगा कंप्यूटर पर, उसमें 50 नंबर पूछा जाता है, आपको 40 से 45 नंबर वहां पर लाना है कंप्यूटर पर। ठीक है, तो मैं यही सूचना देना चाहता हूं कि जो मेरा चैनल है उस पर 18 मार्च से प्रारंभ किया जा रहा है कंप्यूटर की, डेली 30-30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ठीक है, डेली यानी कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर 2 महीने अच्छे से पढ़ लेते हो तो डेली सभी सब्जेक्ट का 30-30 क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो पर। ठीक है, और साथ ही देखिए अगर हम डेली अगर 30-30 क्वेश्चन करेंगे, टोटल कितना सब्जेक्ट हो जा रहा है आपका, 5 या 6 सब्जेक्ट आसपास हो जा रहा है। यानी कि देखिए कंप्यूटर हो गया, हिंदी, इंग्लिश, गणित, इसके बाद है
भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर टोटल 5 से 6 सब्जेक्ट के आसपास हो रहा है। डेली अगर आप 30-30 क्वेश्चन सेट लगा लेते हैं मेरे साथ तो देखिए मैं गारंटी देता हूँ कि 80% गारंटी देता हूँ कि रिलेटिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप अच्छे से सिलेक्शन हो सकते हैं। अगर तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, ठीक है। अगर आपको तैयारी करना है तो यही एक जरूरी सूचना देना था छात्रावास अधीक्षक के बारे में। अगर वैकेंसी की बात करें तो आखिरकार देखिए वैकेंसी आएगी या ये आए नहीं आएगी ये तो मुझे मालूम नहीं है कब आएगी वैकेंसी, मैं डिटेल आपको नहीं बता सकता कि इस दिन वैकेंसी आएगी। लेकिन अगर आप वैकेंसी की इंतजार में रहेंगे, अगर इस दिन वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी है। अगर आप लोग पहले से पढ़ लेते हैं रणनीति बना के कि इस पर आपको कोई दिक्कत यानी कि जैसे कि आपका एग्ज़ाम तीर में आ जाएगा यानी कि बहुत जल्द नज़दीक में आ जाएगा तो आपको बहुत ही दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग पहले से पढ़ लेते हैं तो जैसे ही एग्ज़ाम होता है तो आपको 1 से 1.5 माह समय दिया जाता है, उसमें आपको रिवाइज बस करना है और कुछ नहीं करना, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप पढ़ना पलटते जाइए, रिवाइज करते जाइएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। डेली आपको 30-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अगर वो आप क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ 80% कि ऐसे ही रिलेटिव क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप वैकेंसी की इंतजार ना करें, आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा कि आप तैयारी करना चाहते हैं या कौन से वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ एडीओ का, एडीओ की वैकेंसी आए या फिर हॉस्टल वार्डन की, आपको तो प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा ना। देखिए हॉस्टल वार्डन में आपको पूरा 150 नंबर पूछा जाता है, उसी प्रकार एडीओ में भी 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट है। एडीओ में आपका पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास, आजीविका, ये तीनों जो सब्जेक्ट अलग है, उसी प्रकार छात्रावास अधीक्षक में भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। अगर आप एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों की वैकेंसी अभी तो फिलहाल नहीं आ रही है, अगर आएगी तो मैं इस चैनल पर बता दूंगा कब तक वैकेंसी आ सकता है, ठीक है। अगर आप दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्रारंभ कर दिया गया है, तो बिल्कुल बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा।